सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट तक उठा ले जाते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने ना दो, बुरे को अपनाओ मत। आज का पंचांग 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:26 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 10 जून 2022 दिन शुक्रवार। अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझकर खर्च करें, धोखाधड़ी और झूठे विवादों से बचें और सावधान रहें। सपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं, इसीलिए उन्हें लिखना लाभदायक हो सकता है। जो भी आप करते हैं या जहां भी आप जाते हैं, उपलब्धि की भावना हर समय आपके साथ रहेगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर आज ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी भी परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी एक महान भविष्य की शुरुआत है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित योजना चल रही है तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। आप अपने किसी रुचि संबंधित काम करके प्रसन्नता महसूस करेंगे। संतान की किसी समस्या को हल करने में भी आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। हर छोटी बात में हो रही परेशानी की वजह से आपका खुद पर विश्वास कम हो सकता है। अपने अंदर की प्रेरणा और विश्वास को जगाने के लिए अपनी भावनाओं के बारे में समझना आपके लिए जरूरी होगा। परिस्थिति चाहे जितनी भी जटिल हो, हर बार वह सुलझ जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति का खुद को शिकार बिल्कुल भी ना समझें। करियर से संबंधित उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए मेहनत करें। सावधानियां, वैट की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट ना करें। आलस और सुस्ती से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। इस समय किसी को भी पैसा उधार ना दे, अन्यथा वापसी संभव नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप इस समय ड्रीम में जी रहे हैं जहां रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। अपने इस सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने साथी को खुश करें और उसके दिल की बात भी सुने। अपने साथी को खो देने का डर भी अपने मन से निकाल दें। आज जहां भी जाएंगे सफलता आपके साथ होगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है और आप भी इन्हें पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम कर सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। बात करते हैं करियर की। अभी आप डर को अपने मन से निकालकर दिल खोलकर जीवन का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन अलगाव या धोखाधड़ी आपको उदास कर सकते हैं। दीर्घकालीन निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से मिले। आज आप जो भी करेंगे या जहां भी आप जाएंगे अच्छा ही महसूस करेंगे। इस समय का प्रयोग कुछ खास करने या किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठाने में करें। आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे, लेकिन नम्र रहें ताकि लोग आपकी तारीफ करें और आपको समझें। आज हर काम में आपको सफलता मिलने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की।
नसों में खिंचाव दर्द की समस्या रह सकती है। व्यायाम पर ध्यान देना जरूरी है। सिर दर्द की समस्या को ठीक होने में वक्त लग सकता है। माइग्रेन संबंधित तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।